गाइस, तो आज हम बनाना सीखेंगे कंठमाला। और कंठमाला के लिए यहाँ पर देखिए, मैंने व्हाइट कलर के चेको मोती लिया है और ये येलो कलर का मेरा एक नंबर का मोती है। यहाँ पर एक मैंने पेंडिंग लिया है। तो इस तरीके से सबसे पहले यहाँ पर देखिए, मैं 5 मोती लेंगे। ये लूप्स बनाने के लिए लेंगे हम, ताकि इसमें से हम मोली का धागा बना सकें। अगर आपके पास कोई सर्कल है या कुंदा है तो उसमें आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने इस तरीके से 5 मोती ले लिए हैं। तो सबसे पहले मैं इस मोती में से इस तरीके से बैक जाऊंगी, क्योंकि हमने सर्कल बनाना है इस तरीके से। देखिए अब यहाँ का करना है आपने, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 सिक्स मोती वाइट लेंगे और 1 हमारा येलो है। इस तरीके से जाएंगे। अब देखिए, जब हम बैक जाते हैं तो बैक जाते हैं, लेकिन इसमें हम बैक नहीं जाएंगे, इसमें हम इस तरीके से जाएंगे लास्ट वाले मोती में। यानी जो हमारा इन मोतियों का लास्ट वाला मोती है, उसमें से हम इस तरीके से बॉटम से टॉप की तरफ इसको निकालेंगे। अगेन 6 मोती लेंगे देखिए, इस तरीके से ये 6 हो गए मेरी मोती। अब क्या करना है, अब देखिए ये हमारे इसका बॉटम वाला जो मोती है, इस तरीके से छोटा वाला इसमें हो गया। यहाँ से इस तरीके से इसको निकाल लेंगे। देखिए ये अब सर्कल हो गया है मेरा इस तरीके से। अगेन हमने 6 मोती लेने हैं, 1 2 3 4 5 6। 1 हम येलो लेंगे और इनको हम वापस यहाँ तक करेंगे इस तरीके से। और यहाँ से हमें इस तरीके से इसको निकालना है। देखिए तो इसको आप थोड़ा सा टाइट लें, क्योंकि जो हमारा थ्रेड है वो सरक जाता है। तो थोड़ा सा आप इसको अपने आप से सिक्योर करते हैं इस तरीके से। और अगेन हमें यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। और देखिए बॉटम वाला जो है, हम इसमें से इसको इस तरीके से निकालेंगे, इसको हम खींच लेंगे इस तरीके से। देखिए इस तरीके से ये चैन बनेगी। तो हम थोड़ी सी बड़ी बना लेते हैं, फिर दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने 6 मोतियों की बना ली, 1 2 3 4 5 6 6 बना ली हैं। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 4 मोती हम ये वाले लेंगे, 1 हम येलो लेंगे और इस पेंडेंट को लेंगे। अगेन 1 मोती लेंगे, 1 1 2 3 4। इस तरीके से हम इसको यहाँ पर रखेंगे। देखिए इस तरीके से मैं आपको एक और बना के दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 1 येलो लेंगे। और ध्यान रखिएगा, हमें यहाँ पर जो हमारे ऊपर के 3 मोती हैं, 3 को हम हटाएंगे और 1 जो फोर्थ वाला मोती है, हम उसमें से इसको टर्न करेंगे। यानी 3 मोती हमारे छोटे हुए। इसी तरीके से हम राउंड पेटल बनाएंगे। देखिए इस तरीके से, जिस तरीके से हमारी इधर की तरफ है, इसी तरीके से हम इधर भी बना लेते हैं, फिर दिखाते हैं। ये इस तरीके से मैंने इसका लूप्स भी बना लिया है। अब यहाँ से मैं यहाँ तक आऊँगी किस तरीके से, देखिए इस तरीके से। इस तरीके से, क्योंकि मुझे अभी इसमें
जिस मोती में से आपने धागा जाता हुआ दिखाई दे रहा है उसी मोती में होके आप जाएं इस तरीके से, क्योंकि मेरा ये पेंडल इस तरीके से मैं यहाँ आ गई हूँ। अब देखिए मुझे कितने इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 1 हमारा ये वाला होगा इस तरीके से। और यहाँ पर अपने धागे को थोड़ा सा लूज रखें क्योंकि आपके पीछे से माला ना खींचे इस तरीके से। अगर हम ये लेंगे और 8 अपने मोती लेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर मैं इसको लेकर आऊंगी बिल्कुल लूज हाथ से तो यहाँ पर हम इसको नॉट लगाएंगे। मैं थोड़ी सी दूर तक नॉट लगाती हूँ ताकि माला आपकी खुले नहीं इस तरीके से। तो सबसे पहले मैं इसको कट करूँगी। देखिए इस तरीके से हमारी माला बनके तैयार हो गई है। किस तरीके से लग रही है आपको कमेंट के जरिए बताना ना भूलना। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलना। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।